दोस्तों भारत को इंटरनेशनल कार कंपनियों के ग्रेवयार्ड कहा जाता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई जिन्होंने अपनी कुछ गाड़ियां तो जहां बेची लेकिन उसके बाद उनका नामो निशान मिट गया। बहुत सारी ऐसी कार कंपनियां जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा गाड़ियां बेचती हैं, उनकी धूम मची हुई है, लेकिन वो भारत में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। कई कार कंपनियां तो यहां पर 20-25 साल रहने के बावजूद यहां से उठ गई और कुछ कार कंपनियां ऐसी आई जिनके 2-4 प्रोडक्ट तो चले लेकिन उसके बाद वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों एक कार कंपनी ऐसी भारत में आई कुछ साल पहले जिसने भारत के लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको बड़े अच्छे से समझा और अपनी जो गाड़ियां उसी तरह से मार्केट में प्लेस करी। दोस्तों उस कंपनी का नाम है किया। किया का एक प्रोडक्ट अभी हमारे पास है, किया कैरेंस। ये गाड़ी MPV कैटेगरी में आती है और हम इस गाड़ी के बारे में इस वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और कौन सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं, जो जिनका जो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है और ये गाड़ी उनसे किस तरह से अलग है। तो दोस्तों मेरी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों अगर इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो वो 10,45,000 से शुरू होकर 19,45,000 तक जाती है। इसमें आपको बहुत सारे ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिल जाती हैं, IMT, DCT भी मिल जाता है, 6 और 7 सीटर की ऑप्शंस मिल जाती हैं। 4540 mm की इसकी लंबाई है, यानी कि ये सब फोरबिट में नहीं आती है। चौड़ाई इसकी 1800 mm है, 1708 mm की इसकी ऊँचाई है। व्हील बेस 9780 mm का है और 195 mm की आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है। दोस्तों अगर इंजन की बात करें तो पेट्रोल में 1497 cc का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो कि 113 bhp की पावर जनरेट करता है 6300 rpm के ऊपर। इसी में 1482 cc का आपको टर्बो इंजन भी मिल जाता है जो कि 158 bhp की पावर जनरेट करता है 5500 rpm के ऊपर। डीजल में 1493 cc का डीजल इंजन मिलता है जो कि 113 bhp की पावर जनरेट करता है 4000 rpm के ऊपर। पेट्रोल में इसकी माइलेज 17.9 km/l की जो क्लेम की जाती है और डीजल में जो 21 km/l की जो माइलेज है वो क्लेम की जाती है। इसमें 15-16 inch का जो टायर साइज है दो मिल जाते हैं और साथ में कुछ मॉडल्स में अलॉय व्हील भी मिल जाता है। 3 स्टार की इसकी ग्लोबल NCAP रेटिंग है। ओवरऑल लुक की बात करें दोस्तों काफ़ी डिसेंट लुक है गाड़ी की। ये 7 DCT मॉडल है जो हमारे पास है। अगर बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 216 लीटर का जो बूट स्पेस है वो काफ़ी डिसेंट बूट स्पेस है। 7 सीटर होने के बावजूद, 3 रो होने के बावजूद पीछे वाली रो में 50-50 स्प्लिट मिल जाता है, काफ़ी डिसेंट बूट स्पेस मिल जाती है। आप एक बड़ा सूटकेस के साथ साथ और भी बहुत सारा सामान यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए गाड़ी पीछे से देखने में कितनी लंबी नज़र आती है, आप इसके अंदर जाकर देखते हैं वो कैसी फील आती है। दोस्तों जैसे ही हम गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं तो पहले जो एक फील आती है, जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, काफ़ी लग्जरी फील आती है गाड़ी में। जहाँ सारे कंट्रोल दिए गए हैं, ड्यूल टोन इसका इंटीरियर है, साथ में कुछ जो हैंडल वगैरह हैं उनमें सिल्वर कलर भी किया गया है। फ्लैट आपको इसका डैशबोर्ड नज़र आएगा जिसमें एक बड़ा सा टच स्क्रीन नज़र आता है, साथ में मैनुअल कंट्रोल के बटन भी दिए गए हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, मुझे काफ़ी पसंद होते हैं टच स्क्रीन के साथ मैनुअल बटन। साथ में यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल आप देख सकते हैं, काफ़ी डिसेंट और सिंपल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर बाकी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस मॉडल में फुली लोडेड स्टीयरिंग व्हील भी मिल जाता है, मोड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, बाकी सारा इंटरटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल के साथ साथ आपको क्रूज कंट्रोल भी इसमें मिल जाता है। बहुत सारे कंट्रोल स्टीयरिंग व्हील में दिए गए हैं, वन टच पावर कंट्रोल विंडो भी हैं इसमें। तो अलग अलग मॉडल में अलग अलग फीचर आते हैं, लेकिन दोस्तों जो ओवरऑल व्यू की बात करें सामने अंदर बैठ कर काफ़ी वाइड व्यू आपको नज़र आता है, थोड़ा बहुत डैशबोर्ड भी नज़र आता है, इससे जजमेंट है काफ़ी अच्छी हो जाती है। इस वाले मॉडल में सनरूफ भी मिल जाती है। तो अभी दोस्तों इसको मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट कर रखा है। पीछे वाली रो में जाएंगे कि वहाँ स्पेस का क्या मामला है, तो भी हम वहाँ जाकर देखते हैं। आज यहाँ पर वीडियो बना रहे थे तो हवा बहुत चल रही है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा। दोस्तों आपको जो स्पेस है वो काफ़ी डिसेंट मिल जाता है। अगर पीछे देखें जो सीट है ये 60-40 का स्प्लिट है इनमें, तो लेग स्पेस दोस्तों बहुत काफ़ी अच्छा है। मैंने अपनी पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर इसको सेट कर रखा है। सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों जो पीछे वाली सीट है आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पीछे कर्टन दे रखा है जैसे लग्जरी गाड़ियों में होता है। आप पीछे की रो में जाने की कोशिश करते हैं, सेंटर वाली रो में दोनों तरफ ऐसे लीवर दे रखा है जो वन टच जो सीट है फोल्ड हो जाती है। सेंटर वाली रो में सीट 40-60 की स्प्लिट है। अब इसमें अंदर जाते हैं, अगर हाइट आपकी ठीक ठाक है तो बड़े आराम से अंदर चले जाएँगे। तो पीछे वाली रो है वो 50-50 का स्प्लिट है,
तो पीछे की रो के दोस्तों अगर हालात बताऊं तो अगर आप इन सीट्स को थोड़ा आगे कर लेते हैं तो आपको डिसेंट स्पेस पीछे मिल जाता है, और बच्चों के लिए तो है ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अडल्ट भी थोड़े समय के लिए अगर बैठना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से बैठ सकते हैं। अब इस सीट का जो एंगल है थोड़ा सीधा कर रखा है, रिक्लाइन एंगल, तो थोड़ी स्पेस बन रही है। अगर मैं पूरी तरह रिक्लाइन कर लूँगा तो शायद स्पेस ना बन पाए। इन सीट को थोड़ा आगे कर कर सरका कर जो है स्पेस बनाया जा सकता है, तो इस तरह से ये काफ़ी आसान है। दोनों तरफ से जो सीट हैं वो पूरी तरह से फोल्ड हो रही हैं, तो यहाँ से इसे बाहर निकला जा सकता है। पीछे भी जो चार्जिंग दे रखी है, इस छत के ऊपर यहाँ पे एसी वेंट मिल जाते हैं। सामने भी दो हैं दोनों पैसेंजर्स के लिए। बाहर निकलने के लिए अगर आपका हाइट और वजन ठीक ठाक है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा फुली ग्रोन अडल्ट्स हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बच्चों के लिए तो कोई कम्फर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अब देखते हैं इस गाड़ी को चलाकर चलने में ये कैसी है। पुश बटन से स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों पूरा इसको मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट कर रखा है। अब इसको हम डालते हैं ड्राइव मोड में। अब यहाँ पे जो रास्ता है थोड़ा उबड़ खाबड़ है, तो इसके जो सस्पेंशन है वो भी टेस्ट हो जाएंगे। जो सस्पेंशन है इस गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा ट्यून्ड है। अब उबड़ खाबड़ रास्ते से हम चला रहे हैं तो बड़ा स्मूथ लग रहा है, कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जो सीटिंग पोजीशन है वो हाई है, लेकिन फिर भी अगर हम एसयूवी से कंपेयर कर रहे हैं स्कॉर्पियो वगैरह से, उतनी हाई ना होने की वजह से आपका जो बॉडी रोल है वो भी मैनेज्ड है। आपको बॉडी रोल ऊपर खापड़ रास्ते पे बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। और ये गाड़ी जैसे बताया ड्यूल क्लच है, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन में जो ऑड गियर होते हैं, जो इवन गियर होते हैं, उनका क्लच अलग अलग रहता है। ये इसी गाड़ी में आपको IMT भी मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सस्ते में कोई ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो आपको IMT मिल जाएगा। अभी हम बहुत शार्प टर्न लूँगा मैं, तो बॉडी रोल बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो रही है, आपको कोई लैग महसूस नहीं हो रहा गियर चेंज करने में। चलाने के हिसाब से सबसे मज़ेदार गियर बॉक्स ये होता है। जो गियर शिफ्ट होने का टाइम है वो बहुत कम रहता है। अभी हम गाड़ी को डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव मोड में ट्राई करके देखते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने गाड़ी को डाल लिया इको मोड में। हम इसका देखते हैं इको मोड की परफॉर्मेंस कैसी है। जिस तरह मैं TGV चलाता हूँ उसके नॉर्मल मोड में इको मोड में बहुत डिफरेंस आ जाता है, लेकिन अभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ है। अभी मैं इसको शिफ्ट करके नॉर्मल में डाल रहा हूँ, आपको फ़र्क पड़ता है। इको मोड में भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, आपको एक पुश मिलती है जब आप पंजा दबाते हैं। और अभी मैंने गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में डाल दिया है, थोड़ा ट्रैफिक है, लेकिन भाई जब हम गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं तो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी बदल जाते हैं। आप इको और स्पोर्ट्स में आते आते आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी कोई और है ये आप जिसमें बैठे हुए हैं। तो दोस्तों जैसे इसके अगर कॉम्पिटिशन्स की बात करें, इसी सेगमेंट में अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो दूसरी गाड़ियां अगर आप माइलेज के पॉइंट से देखते हैं तो XL6 है जो, वो काफ़ी अच्छी कार है। आपको काफ़ी कुछ फीचर भी मिल जाते हैं, माइलेज भी अच्छी मिल जाती है। और SUV चाह रहे हैं 7-सीटर, तो आप SUV तो फिर देखो स्कॉर्पियो ही है मैं कहूँगा। इस सेगमेंट में अगर थोड़ा सा और पैसे डाल लो, ये गाड़ी MPV कैटेगरी में आती है, और MPV कैटेगरी में XUV 700 है। इसके साथ अगर आप लेना चाहें तो जो नई सफारी है वो भी मैं उसको MPV कैटेगरी में मानता हूँ, क्योंकि रेयर व्हील ड्राइव नहीं है, साथ में मोनोकॉक बॉडी है, ये गाड़ी भी वही चीज़ है। तो अगर आपको MPV ही लेनी है तो मेरे विचार से दोस्तों ये गाड़ी XUV 700 से ज़्यादा बेहतर है। अगर इसका बेस मॉडल है वो आपको 10.5 लाख से शुरू हो जाता है शोरूम में, और ये गाड़ी काफ़ी फीचर मिलते हैं आपको, बहुत सारी इंजन वेरिएंट मिल जाते हैं, 3 तरह की जो ट्रांसमिशन है आपको इसमें मिल जाती है। आप जैसी चाहे ले सकते हैं, नॉर्मल ऑटोमेटिक ले सकते हैं, ड्यूल क्लच ले सकते हैं, टॉक कन्वर्टर वाला मिल जाता है, और IMT सबसे सस्ता 12-13 लाख के आसपास में आपको IMT मिल जाता है। 7-सीटर गाड़ी है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इस गाड़ी की। दोस्तों अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ, बहुत ही लाइट स्टीयरिंग व्हील है, रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है। अभी दोस्तों मैं ट्राई करूँगा इसका मैनुअल मोड। अभी ये ड्राइव में चल रही है, मैनुअल मोड में मैंने इसको डाल लिया है, और अभी मैंने फर्स्ट गियर में डाला है, देखते हैं कहां तक खींचती है। मैं 2000 RPM पे जा चुका हूं। इसने अपने आप स्पीड के हिसाब से सीधा चौथे गियर में डाल दिया, फर्स्ट से फोर्थ, क्योंकि मैंने थोड़ा खींचा था इसको, इसने फर्स्ट से फोर्थ में ही शिफ्ट कर दिया और पांचवें गियर में जा चुकी है। तो मैं पांचवें में इसको रोकूंगा, स्लो करूंगा मैनुअल मोड में,
लेकिन इसने अपने आप गियर डाउन कर लिया। गाड़ी मैनुअल मोड में थी लेकिन फिर भी इसने गियर से अभी फर्स्ट गियर में वापस आ चुकी है। तो छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर हैं, वो भी बड़े आराम से निकल जाएगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम्प है, बड़े आराम से निकल गए। अगर दोस्तों आपने डस्टर चलाई है तो इसका जो सिटिंग पोस्चर है या पोजीशन है आपको वही महसूस होगी, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है ना ही ऊपर है। अगर आपको ड्राइविंग कंफर्ट है, लंबे समय के लिए भी अगर आप चलाते हैं, लंबी दूरी के लिए भी चलाते हैं, तो आपको एक अच्छा कंफर्ट मिलेगा। माइलेज की बात करें पेट्रोल में, ये गाड़ी हाईवे पर 15-16 की माइलेज बड़े आराम से निकाल देगी। अगर आपको गाड़ी अपने फैमिली पर्पज के लिए चाहिए, अच्छी ड्राइव क्वालिटी वाली गाड़ी चाहिए, परफॉर्मेंस बढ़िया हो, माइलेज भी हो, और बजट देखो 10.5 लाख से शुरू होकर 20 लाख तक ये जाती है, आप जैसा वेरिएंट चाहे वो ले सकते हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर इसका बेस मॉडल अगर XUV700 के बेस मॉडल से कंपेयर करें तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फीचर्स में मिलेगा नहीं, और इस सबसे बहुत बढ़िया चॉइस हो सकती है अगर आप एक MPV ढूंढ रहे हैं अपने फैमिली के लिए। अगर आपको दो लोगों को दिखाने के लिए गाड़ी लेनी है तो फिर तो भाई कोई सी भी ले लो। तो दोस्तों अगर आपका कोई विचार है इस गाड़ी के बारे में, जहाँ फिर इस वीडियो के बारे में कोई फीडबैक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर करें। साथ ही मैं गुजारिश करनी चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फिर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।